الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم جناب صدر محترم أكابر علماء أمت بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو آج کے اس کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالی اس عظیم نسبت کے ساتھ منعقد کیے گئے اس عظیم جلسے میں آپ کی اور ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے میرے محترم دوستوں آپ کو یاد ہوگا جب مسجد اقصی پر یہودی درندوں نے صہیونی دہشت گردوں نے جارحیت کی تھی تو پاکستان سے کراچی کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا پاکستان میں ایک خاص لابی یہ درس دے رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن آپ کے اس ایک جلسے نے اور اس لابی کے نظریے کے مقابلے میں آپ کی اس ایک آواز نے ان کی زبانیں ایسی خاموش کی کہ پھر پاکستان کی سرزمین پر کسی ایک فورم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکا ہے اللہ نے آپ کی آواز میں تاثیر رکھی آپ کی آواز میں اللہ نے ایک روب اور دبدبا رکھا ہے آج میرے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرم اقدس کی بے حرمتی اسی یہودی لابی کے ایجنٹوں نے کی پہلا حق آپ پر تھا
क्या आप उसी मैदान में इकट्ठे हों और उन कुव्वतों को ललकारें कि न तुम्हारे बाप को जुर्रत हो सकी और अगर तुमने हरम अक्दस की हुर्मत में किसी किस्म की तौहीन का इर्तकाब किया तो हम तुम्हारी जबानों को गुत्थे से खींच लेंगे और क़यामत तक तुम्हारी जबानों को खामोश कर देंगे। नारे तकबीर इस्राइल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गुस्ताख़े हर मैदान पे गुस्ताख़े हर मैदान पे। यहूदियों ने मदीने की बेहरमती की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया अखरजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब कि यहूदियों को जज़ीरतिल अरब से बाहर कर दो। अगर उसके एजेंटों ने पाकिस्तान में मदीना की हुर्मत को पामाल किया तो याद रखो एजेंटों तुम्हें हम कराची के समंदर में गर्क कर देंगे और पाकिस्तान की सरजमीन पर तुम्हें जीने का हक नहीं आ जाएगा। नारा तकबीर ललकार है ललकार है यलकार है यलकार है। गुस्ताख़े हर मैदान पे मक्के वालों ने भी कहा था कि ये लावारिस है लेकिन क़यामत तक के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी उम्मत अता की है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी एक गया गुजरा गुनहगार उम्मत भी अपने नबी और रसूल के हुर्मत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। तुमने मक्के वालों की तरह उनको लवारिस समझ लिया है। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा वो अपने पैगंबर की नामूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। एक अरब से ज्यादा आबादी उसके नामूस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मौते क्या हो किस बात की तुम मूली हो। तुम्हें तो गाजर मूली की तरह काट काट कर रख देंगे अगर तुमने आइंदा के लिए इस तरह सोचा भी तो। अजमत हर मैदान पर अजमत हर मैदान पर रोज़े रसूल पर तकद्दस हर मैदान पर लब्बैक 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 लब्बैक। हम तहम्मुल और बर्दाश्त के लोग हैं। हमने हर मुश्किल को बड़े सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ उमूर किया लेकिन यही वो मकाम है यही वो मंजिल है यही हुर्मत रसूल का वो मकाम है जहां सब्र का बंधन टूट जाता है जहां तहम्मुल का बंधन टूट जाता है जहां बर्दाश्त नाम की कोई चीज उसकी कीमत नहीं रहती। इमरान खान सुन लो तुम्हें लोगों ने मगरब ने अमेरिका ने बरतानिया ने यहूदी लाबी ने आसमान पर चढ़ा दिया। अकल है तो यही विजन है तो यही प्रोग्राम है तो इसी के पास खुशहाली लाएगा तो यही आसमान पर चढ़ा दिया तुझे। हम चाहे न चाहे अल्लाह बेपरवाह है उसका अपना एक निजाम है
तो इक्तदार में आ गया। मैं समझता हूं अच्छा हुआ तो इक्तदार में आ गया, तेरी ना अहली दुनिया के सामने आ गई, तेरी नालायकी तश्तबाम हो गई, तो अपने अहलियत के लिहाज से नंगा तड़ंगा हो गया। आज फिर गांव गांव फिर रहा है, जलसा जलसा खेल रहा है। तो मैं कहता हूं इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पहले आप कारकर्दगी के लिहाज से ना अहल साबित हुए, आज तुम इंशाल्लाह दिमागी लिहाज से बीमार साबित होकर रहोगे। दुनिया को दिखाएगा कि ये जहनी बीमार, ये दिमागी बीमार, ये पाकिस्तान में सियासत कर रहा है। कमबख्त तेरी वजह से पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो गई, उसकी वैल्यू गिर गई। मुर्दाबाद नशाई न्याजी, नशाई न्याजी, मरीज न्याजी, बीमार न्याजी, बीमार न्याजी। लेकिन मैं आपको मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि जहां ये ना अहल और ये जहनी बीमार, वहां पर एक फितना भी है। ऐसे पैरोकार उसने पैदा कर लिए कि अगर वो अल्लाह होने का दावा करे तो कहते हैं हम फिर भी उनके साथ। खुद कहता है अल्लाह ने जो पैगाम पैगंबर के पास पहुंचाया उससे लोगों तक पहुंचाया, तुम भी मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। कभी खुद को अल्लाह के साथ बराबरी पे, कभी खुद को पैगंबर के साथ बराबरी पे, और इसके पैरोकार कहते हैं कि अगर वो नबूवत का दावा कर ले तब भी हम उनके साथ। गुस्ताख न्याजी पे, गुस्ताख न्याजी पे, गुस्ताख न्याजी पे, बदखलाक न्याजी पे, बदकिरदार न्याजी पर। कभी कहता है अल्लाह ने पैगंबर की तरबियत की, उसको बनाया नबूवत के लिए, आज वो मेरी भी तरबियत कर रहा है। इस फिक्र और इस सोच का आदमी पाकिस्तान में सियासत करेगा, इसे कहते हैं दज्जाल, दज्जाल से। और दज्जाल भी जब आएगा तो उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, लेकिन उसके दम से बारिश भी होगी, मुर्दे भी जिंदा होंगे, जहां थूक फेंकेगा वहां से सब्जा भी उगेगा, करामात भी दिखाएगा। लेकिन होगा दज्जाल, होगा फितना। तो मैं आपको इस फितने से भी डराना चाहता हूँ और मुतनब्बिह करना चाहता हूँ कि हम खामखा इसके खिलाफ नहीं आए मैदान में। और आज कुछ लोगों के पीछे कर रहा है, हमारी तरह के कुछ मजहबी रंग वाले लोग, उनको ये दीन सिखाएगा। जो मौलवी बेचारा इस कदर यतीम हो जाए कि उसे इमरान खान के साए की जरूरत हो, इसकी यतीमी पे रहम आता है। मुर्दाबाद सरकारी मौलवी, सरकारी मौलवी, दरबारी मौलवी, दरबारी मौलवी, नहीं इसराइली मौलवी कहो यार, इसराइली मौलवी, इस्राइल का हामी, इस्राइल का हामी, यहूद का हामी। लोगों को दीन सिखाएगा, पता नहीं अपनी तहारत करनी भी आती है या नहीं। इंशाल्लाह हम ऐसे फिक्र, ऐसे अकीदे, ऐसे नजरिए और ऐसे फितने का खात्मा करेंगे। अगर हम कादियानी फितने के साथ, उसके पैरोकारों के साथ जंग लड़ सकते हैं और ताकयामत जंग लड़ने का अहद किया है, तो ये क्या छोटी मोटी
चिटनिया ये हमारा मुकाबला करेंगी, इनको तो एक जब से हमने हटाया है और एक जब से दफन करेंगे इंसान। मेरे मोहतरम दोस्तों, इनके जलसों से डरना नहीं चाहिए, इनके पैरोकारों से भी नहीं डरना चाहिए। मेरी शराफत मुझे उन पर तबसरा करने की इजाजत नहीं देती। उम्रे पे क्यों गए? तुम्हें मेरे जलसों में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, नाच गानों के महफल में तुम्हें खड़ा होना चाहिए था, उम्रे पे जाने की क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने जिंदगी में उम्रा नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में मदीना मुनव्वरा नहीं देखा, आज इस मौके पर आपके बर्तानिया के पीटीआई का सदर और अनिल मसर्रत और जहांगीर उर्फ चीकू पहली मरतबा किस प्रोग्राम के तहत, किस साजिश के तहत मदीना आए थे? शेख रशीद साहब ने एक दिन पहले कह दिया था कि मदीना में ऐसा होगा। तुम प्लानिंग करते हो हरम नबवी की तवहीन करने की? सियासत करो पाकिस्तान में करो, तुम्हारी ताकत है तो पाकिस्तान में आओ। पाकिस्तान में तो हमने तुम्हें गर्दन से उठाकर फेंक दिया, अब बाहर जाकर बदमाशियां और शैतानियां करते हो? यहां आओ, मुकाबला करो, हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे औकात क्या हैं। कभी फौज को डराते हो? एक बयानिया तो हो ना तुम्हारे पास, पहले का खत आया है मेरे खिलाफ बैनुल अक्वामी साजिश है। अरे बैनुल अक्वामी साजिश कहां से हो गई? खत दिखाओ ना भाई, आज तक खत नहीं दिखा सका। पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे ने भी कहा कि झूठ है, अमेरिका ने भी कहा झूठ। भाई दिखा दो ना, हम उर्दू नहीं समझते, अंग्रेजी समझ लेने वाले लोग हैं, उस कागज से पता चल जाएगा उसमें क्या है। बिल्ली को थैले से बाहर लाओ। अब खत का मामला छोड़ गया, खत से भाग गया। फिर कहा सिराजुद्दौला का सिप्पा सालार मीर जाफर था। भाई सिप्पा सालार को मीर जाफर कहते हो तो फिर कौन है सिप्पा सालार? आज जब सिप्पा सालार ने आंखें दिखाई तो अगले दिन कहा मेरी मुराद तो शाहबाज शरीफ है। बाबा शाहबाज शरीफ तो सिप्पा सालार नहीं है, तो आपने तो सिप्पा सालार की बात की थी, तो आई गई हो गई। अब वो बयानिया भी गया, खत का बयानिया भी किया, सिप्पा सालार का बयानिया भी किया। अब कहते मेरे कत्ल करने की साजिश हो रही है और मैंने और कहता है कि मैंने वीडियो पता नहीं कैसेट रिकॉर्ड कराई है। आजकल की दुनिया में कैसेट रिकॉर्ड करवाए जाते हैं? रखी किधर है वो, कहां छुपाई है तुमने वो रिकॉर्ड? दो कापियां हैं, एक अमेरिका में और एक गोल्डस्मिथ के घर में, बता दें। एक तरफ कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, भाई चूरन बेचो तो तरीके से बेचो यार। और एक तरफ अपना बयान वहां रिकॉर्ड करवा रहे हो। इमरान खान, मैं कहता हूं आपसे, तुम कत्ल की बात करते हो, कत्ल बहुत दूर की बात है, इंसान के हाथों कत्ल बहुत दूर की बात है। तुम तन्हा किसी रोड पे खड़े हो जाओ, अगर एक कुत्ते ने भी तुम्हें सूंघ लिया तो मुझे कह दो कि फजल रहमान तुम तकबीर। जमीयत मौलाना फजल रहमान,
शख्सियत मौलाना फजल रहमान, क्या है तेरी जुर्रत को, क्या है तेरी बसीरत को, क्या है तेरी सियासत को। कातिलाना हमलों से हम गुजरे हैं, कातिलाना हमलों से अब्दुल गफूर हैदरी गुजरा है, कातिलाना हमलों से अकरम दुर्रानी गुजरा है, कातिलाना हमलों के शिकार हमारे उलमाए किराम हुए हैं, और फिर भी मैदान में खड़े जुर्रत के साथ खड़े हैं। 300 साढ़े 300 के तादाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स की सिक्योरिटी लेकर नहीं खड़े हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, सियासत की भी ढंग होती है, कुछ ढंग भी नहीं आते। और मुल्क को कहां पहुंचाया, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। उस हवाले से जब हुकूमत में नहीं आया था तो उस वक्त कहा था कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, तो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मुंडी को दे दिया, एक अपने पास रख लिया, एक गिलगित बल्तिस्तान को उससे अलग कर दिया। अभी कौन सी वही तेरी ऊपर आई जब तूने बयान दिया अगर फौज न होती तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। ये 3 हिस्सों का आइडिया कहां से आ गया? न 2 हिस्सों में तकसीम की बात करता है, न 4 हिस्सों में तकसीम की बात करता है, 3 हिस्सों में तकसीम की बात करता है। क्या प्रोग्राम था तेरा? याद रखो, मुल्क की जुग्राफिया को तब्दील करने के लिए 2 बुनियादी मराहल हुआ करते हैं। पहला मरहला ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। अगला मरहला ये कि मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। चुनांचे जब नवाज शरीफ की हुकूमत में पानामा लाया गया तो पानामे केस के जरिए से सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाने की कोशिश की गई, और जब वो मरहला गुजरा तो इमरान खान के जरिए से माशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। ये दोनों मरहले पूरे हो गए, और जब मुल्क में माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम आता है, रुपया अपनी कदर खो बैठता है, महंगाई आसमान को पहुंच जाती है, आम आदमी के कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है, तो फिर पब्लिक में बगावतें शुरू हो जाती हैं। शुक्र अदा करो पाकिस्तान के सियासतदानों का, शुक्र अदा करो जमीयत उलमा का कि हमने 4 साल तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा, चारों सूबों के आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर रखा, और पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुल्क के खिलाफ बगावत नहीं होने दी। मैंने पिछली दफा इस्लामाबाद में भी आपसे कहा था कि मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूं, मुल्क के साथ उनकी वफादारी को सलाम करता हूं कि इन हालात में भी वो मुल्क के साथ खड़े रहे और बगावत का कोई तासर नहीं दिया। आज इक्तदार से अलहदगी के बाद वो दर बदर फिर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इक्तदार से महरूम हुआ, इसलिए कि किसी तरह मैं फिर इक्तदार में आऊं और अगर मुल्क बच गया है तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दूं। अब आपकी मर्जी है, उसको दोबारा लाते हैं और बचे कुछ मुल्क को तब खत्म कर देते हैं तो भी अवाम की मर्जी है, लेकिन हमने इस मुल्क के बका और तहफ्फुज़ के लिए जंग लड़ने का अहद किया हुआ, इंशाअल्लाह नजीर इसको पूरा करें। मैं पाक अफवाज को भी यकीन दिलाता हूं, एतमाद दिलाता हूं कि पाकिस्तान पर खुदा न करे कोई बुरा वक्त आए, लेकिन ऐसे वक्त में अगर सरहदात पर मुश्किल आई, अगर मुल्क के अंदर मुश्किल आई, तो एक यूथी अभी आपके साथ नहीं होगा, यही खाकसार, यही नौजवान आपके शाना बशाना
पाकिस्तान के बका और तहफ्फुज़ की जंग है। नारे तकबीर, जिंदा है जमीया, जिंदा है जमीया, ये तेरी जमीया, ये मेरी जमीया, मुजाहिदों की जमीया। हमारा मुतालबा था कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत न करे, हमारा मुतालबा था कि फौज सियासत में मुदाखलत न करे, और जब फौज ने कहा कि अब हम न्यूट्रल हैं, हम मुदाखलत नहीं करते, तो इसने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब बताओ, यानी इसका माना ये कि अगर फौज उसके साथ है तो फिर फौज मोहतरम है, अगर फौज हुकूमत के साथ है तो फिर फौज मोहतरम है, और अगर फौज मुल्क के साथ है तो ये हमें कबूल नहीं है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले उनके एक मुकर्रर ने जलसे में कहा कि अगर घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो ये कबूल नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि चौकीदार ये मुल्क का चौकीदार है, तुम्हारी हुकूमत का चौकीदार नहीं है। तुम्हारे मुल्क का तुम्हारी हुकूमत का दारोमदार पाकिस्तान के आवाम पर है, तुम्हें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है, तुम्हें पाकिस्तान के आवाम के नुमाइंदों ने मुस्तरद किया है, तुम्हें शिकवा किससे? तुम किसी एक का एतमाद बरकरार नहीं, ना आवाम का, ना आवामी नुमाइंदगान का, ना अपने इत्तेहादियों का, ना एस्टेब्लिशमेंट का, ना फौज का, ना ब्यूरोक्रेसी का। हर शख्स सर पीट रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन मैं आज इस मौके पर बड़े एहतराम के साथ एक शिकवा करना चाहता हूं अपनी अदालत उज़्मा से, मुख्तरम अदालत से, फाजल जजेस से। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया तो आपने सुमोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इकदाम कर लिया कि आपने सुमोटो ले लिया? फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अतलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम, और आप इन लोगों से डरते हैं? ये अदालत के सामने खड़े हो जाएं, और अगर ये मखलूक अदालत के सामने खड़े हो गए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अदालत आजादी के साथ फैसले करे। अदालत के किसी सोमोटो से अगर ये तासर मिलता है कि वो दबाव में किया गया है तो आप बताएं कि इसके नतीजे में जो फैसला आएगा उसके आवाम के दिलों में क्या कदर कीमत होगी। अजीब बात यह कि जब इमरान हुकूमत में पानामा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देने वाला बाद में FIA का डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है, वहां तो आपने सुमोटो नहीं लिया। जब बशीर मेमन ने चीख चीख कर इंटरव्यूज दी कि मुझे बुला बुला कर कहता था आप फला के खिलाफ केस करो, फला के खिलाफ केस करो, फला के खिलाफ केस करो, उस DG के इस चीफ पुकार पर तो आपने कोई सुमोटो नहीं लिया। जस्टिस अरशद सिद्दीकी चीख रहा है, चिल्ला रहा है बतौर जज के, उसकी चीफ चिल्लाहट पर तो आपने कोई नोटिस नहीं लिया। आज एक बयान
जलसे में दे दिया और आपने उसको इतना नोटिस दे दिया। हमारे दिलों में आपकी बड़ी कदर मंजिलत है, आपके फैसलों को हम तौकीर की नजर से देखते हैं, आपकी हमारे नजरों में इज्जत और आबरू है। लेकिन ऐसे इकदामात अगर आप अपने आप से करते हैं, कोई आपसे रुजू नहीं कर रहा, तो फिर अपनी इज्जत तौकीर में अगर आप कमी कर रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार हैं, फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। ये शिकायत आज पब्लिक के सामने लाना मैंने जरूरी समझा। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने यहां सिंध में भी जलसे किए, बड़े जलसे से खिताब किए, और मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं, आपको याद भी होगा कि मुश्किल ये नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क को बिठा दिया है, अब चैलेंज ये है कि इसको उठाएंगे कैसे। अब वो जो बंद टूटा है तो आप हमसे कहते हैं कि आज वो इतना बड़ा बंद आपने दोबारा क्यों तामीर नहीं किया, अभी तो वो तबाही करेगा। इमरान खान की हुकूमत के पहले साल उनके अपने माहिरीन ने इंटरव्यू दिए और कहा कि इमरान साहब का प्रोग्राम यही है कि रुपया 200 रुपया एक डॉलर तक जाएगा, उनका एजेंडा था। आज अगर 200 पे गया है उसके अपने एजेंडे के तहत गया है। हमने कंट्रोल करना, किस तरह कंट्रोल करना है, जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत को रियासती इदारों का ताउन हासिल नहीं होगा, एतमाद का माहौल बहाल करना मुश्किल है। अभी हमने उसको हटाया है, अब एक साल में हमने मुल्क को पटरी पे डालना है। कैसे चलेंगे, किस मुश्किल में हम सफर करेंगे, किस पगडंडी के ऊपर हमने चलना है और इस मुल्क को वापस अपनी हालत पे लाने के लिए हाथ पांव मारने हैं, ये एक चैलेंज है, कोई आसान काम नहीं है। 3.5 साल में तुमने जो मुल्क का कबाड़ा किया, जाहिर है कि इमारत को गिराना तो एक लम्हे का काम, गंद फैलाना तो एक लम्हे का काम है। तुमने 4 साल में जो गंद फैलाया, हमसे तवक्को रखते हो कि 4 दिन के अंदर अंदर उस गंद को साफ करें, उसमें तो वक्त लगेगा। ये तो चैलेंज है जो हमने कबूल किया, हमने मुल्क को उनसे छीना ताकि मुल्क बच जाए। पहले मुल्क को बचाना है, मुल्क की फिर इक्तिसाद को बचाना है, उसको सही रुख पे लाना है, और ये बड़ा चैलेंज है जो कौमी सतह के बाहमी तआवुन के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह अजीज, इस वक्त हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इन जलसड़ियों का दबाव न लिया जाए। रोज रोज बयान तब्दील हो रहे हैं, एक दिन एक बयानिया, कल दूसरा बयानिया, फिर तीसरा बयानिया, फिर चौथा बयानिया, अभी कोई एक बात पे ठहर तो जाओ। हम तो एक ही बात पे ठहरे हुए, आपका जो तारफ हमने पहले दिन कराया था, हम आज भी उस पर कायम है, हम आज भी उस पर कायम है, और लम्हा लम्हा गुजरता है तस्दीक कर रहा है उस पर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन हालात में हमने चैलेंज कबूल किए हुए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाना है, मुल्क को बचाना है, चारों सूबों का एतमाद को ठीक रखना है, सूबों के हुकूक की बात करनी है। आज अगर मैं सिंध में खड़ा हूं, मैं पहली मरतबा आपके पास नहीं आया हूं, मेरे 40 साल गुजर गए और कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जहां मैं एक से ज्यादा मरतबा सिंध में आया हूं। एक रिश्ता बन गया आपके साथ, एक ताल्लुक बन गया आपके साथ,
और आपके बच्चे बच्चे के हुकूक की इंशाल्लाह जंग लड़ता रहूंगा। हम किसी के साथ तासुब नहीं बरते, ये कौमी यकजहती का मसला है, जमीयत उलमाए इस्लाम के मंसूर का मसला है, और हर सुबह अपने वसायल का मालिक है और हर सुबह का बच्चा अपने वसायल का और अपना हक रखता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने पूरे मुल्क को चलाना है, हमने एक कौम बनाना है, एक पाकिस्तानी कौम की तरह हमने मुल्क के अंदर एक यकजहती पैदा करनी है। जिस यकजहती को इस शख्स ने तबाह किया है उसको दोबारा लाना है, जिस इक्तसाद को इसने तबाह किया है, बैनुल अक्वामी सतह पर हमें इसने तन्हा कर दिया है। मैं हैरान एक बात पर हूं, नारे हैं चोर 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 चोर, ये नारे ये सियासत है, चोर 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 चोर। भाई नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, उस चोर को चीन भी पैसे देने को तैयार, उसको सऊदी अरब भी पैसे देने को तैयार, उसको IMF भी कर्ज देने को तैयार, उसको यूरोप भी पैसे देने को तैयार, अमेरिका भी पैसे देने को तैयार, और ये जो बना हुआ है ना सादिक और अमीन, इस पर तो न चीन एतमाद करने को तैयार है, न सऊदी अरब, न अमारात, न मगरब, न मशरक, सारी दुनिया कहती है इसको पैसा देने को तबाह हो जाएगा। चोर न्यासी मुर्दाबाद, चोर न्यासी खरी, चोर न्यासी खरी, चोर न्यासी हार, चोर न्यासी हार, चोर न्यासी। और तमाशा ये है, तमाशा ये है कि उस मुल्क के अंदर उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, जिस मुल्क के बादशाह की घड़ी को उसने खुद चोरी किया था। अरे तो सचो, इस किस्म की बातें ना करो वरना तुम तो हर लिहाज से कंगाल, घर से भी कंगाल और बाहर से भी कंगाल। न तुम्हारी कोई अखलाकी कोई कीमत है, न कोई सियासी कीमत है, दुनिया तुम्हें जानती है, तुम पर एतमाद करने को तैयार नहीं, क्यों तैयार नहीं, सोचो जरा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस फितने से अलग हो जाओ। हम हमदर्दी के साथ आपसे बात कर रहे हैं, हम दावत दे रहे हैं कि कोई मुसलमान पाकिस्तान की तबाही में इसके साथ शरीक ना हो, मुल्क की तबाही में इसके साथ शरीक होने के लिए कोई तैयार नहीं होना चाहिए। हाँ मैं जानता हूं, इतना जरूर जानता हूं कि मुल्क के अंदर एक एलीट क्लास है, अशराफिया, उनके घरों में उनकी आंटियां आंसू बहा रही है इमरान के जाने पे। भाई आंसू नहीं है, पता चलता है कि कौन कौन से खानदान हैं और कौन कौन से घराने हैं जो बैनुल अक़वामी इस नेटवर्क के साथ वाबस्ता रहे हैं, और आज उनके घर में मातम है, उनके घर में। तो वहां से हमें पता चल रहा है कि कहां कहां किस किस की मां मरी है, और लड़ेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं इस बात को इंशाल्लाह। वरना लोग कहते हैं आपकी तो अब हुकूमत आ गई है, अब आपको जलसा करने की क्या जरूरत है। हम कहते हैं वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, फितने से लड़ना है, जब तक फितने को दफन नहीं करेंगे, जब तक समंदर बुर्द नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ये नजरिया, ये परचम, ये हक बुलंद रहेगा। 200 साल से अंग्रेजों के खिलाफ सरबुलंद ये परचम लहराता लहराता आज पाकिस्तान के नौजवान के हाथ में है, और इंशाल्लाह मंजिल हासिल करके रहेगा। अल्लाह हमारा मददगार हो, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। मैं आपको इस कामयाब जलसे पर एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم
آجره وآجره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعزنا ولا تذلنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.